Oh baby, baby, oh Hi everyone, so welcome back to my channel and today's video is a Flipkart haul and Flipkart पे भी अभी धमाकेदार सेल चल रही है so I thought कि अभी इस टाइम पे शॉपिंग करना सबसे बेस्ट टाइम है so that's why मैंने कुछ ऐसी T-shirts और टॉप और बैग और हेयर एसेसरीज पिकअप कर रही है जो आपके काम आ सकती है बिकॉज आज के सारे आइटम्स बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल आई थिंक ऑल आर अंडर फाइव हंड्रेड रुपीज एंड yeah. बहुत अच्छी क्वालिटी है सारी चीजों की सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड प्लीज कीप ऑन वॉचिंग ओके सो वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक टी शर्ट दैट आर फ्रॉम मैक्स एंड मैक्स की टी शर्ट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि उनका फेब्रिक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है बहुत कंफर्टेबल होता है दैट्स मैं मैक्स की टी शर्ट पिकअप करती हूँ सो so डेली यूज के लिए भी प्लस अगर आप कोचिंग के लिए या

सो so, मेरी साइज इसमें एस है एंड ये मुझे परफेक्ट आ रहा है मुझे इसमें बहुत ज्यादा लूज नहीं चाहिए था तो मैंने इसे ओवर साइज नहीं लिया था बिकॉज मुझे ये घर में पहनने के लिए चाहिए थी एंड मेरे लिए ये परफेक्ट है साइज के अकॉर्डिंग द सेकेंड टी शर्ट फ्रॉम मैक्स इज दिस ब्लैक कलर टी शर्ट एंड नॉट दैट एग्जैक्ट ब्लैक कलर मतलब आपने इस टाइप का शेड देखा होगा मतलब ब्लैक में थोड़ा वो ग्रेस टाइप का टच रहता है सो मुझे इस टाइप के शेड की चाहिए थी दैट टू इन लॉन्ग स्लीव्स मतलब ये थ्री फोल्ड स्लीव्स है आपकी यहाँ तक आएंगी एंड मुझे ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा रेनी सीजन के लिए ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंड एट्स व मैंने इसे पिकअप करा

नेक्स्ट वन इज एन इंटरेस्टिंग टॉप मतलब ये क्रॉप टॉप है प्लस फुल स्लीव्स में है सो दिस इज द टॉप मतलब ये प्लेन ही है यू कैन सी एंड इसमें आपको फुल स्लीव्स मिलती हैं सो आपको क्रॉप है प्लस फुल स्लीव्स मिलेंगी वो थोड़ा सा लूज टच देगा एंड आई मीन द साइज एक्स एस एंड इस ब्रांड की टी शर्ट का फेबरिक बहुत अच्छा है दैट इज फ्रॉम मिस चेस अगर आपने अभी तक मिस चेस का ब्रांड चेक आउट नहीं देन यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक दिस आउट द फैब्रिक नॉट इट ऑल सी थ्रू फेब्रिक एंड यहाँ नीचे से आपको अलग सी तो मतलब स्ट्रेचेबल टाइप का फेब्रिक प्रोवाइड किया गया यहाँ पे आपको कम्प्लीटली वो फिट आ जाएगा बट मुझे वो लूज ही आएगा क्योंकि ऑफकोर्स एक्सेस भी मुझे लूज ही आ रहा है बट ओवरऑल स्पीकिंग मुझे ये अच्छा लग रहा है अगर आप एक हाई वेस्ट जीन्स के साथ या फिर लो वेस्ट जींस के साथ भी पहनेंगे तो ये क्रॉप लुक देगा जो कि अगेन बहुत अच्छा लगेगा नेक्स्ट वन आर हेयर एसेसरीज जटा क्लेचेस एंड मैंने सीरियसली uh, मैं बताऊं तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये थोड़ा बड़ा साइज आएगा अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो चेकआउट करी हो मैंने हेयर पे छोटी छोटी वो क्लिप्स लगाई थी साइड में मुझे उस टाइप की लगी थी ये वैसी आएंगी बट अगेन ये इनका साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा आ गया मैंने आज ऐसे ही लगाया है सो दिस इज़ द साइज मतलब ये मुझे क्रिस्टल पैटर्न में दिख रहे थे एंड ये मैंने सोचा था छोटी साइज़ के आएंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे बट ये कुछ बड़ी साइज़ आ गई बट ठीक है काम आ जाता है लड़कियों का तो हर सामान काम आ ही जाता कहीं ना कहीं से दिस इज़ अ पैक ऑफ ट्वेल्व एंड ये सारे शेड्स अवेलेबल है मुझे कलर्स बहुत प्यारे लग रहे हैं मतलब वो पेस्टल टच में बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं है इसलिए मुझे कलर्स बहुत प्यारे लग रहे हैं द क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक इज ऑल्सो वेरी गुड मुझे क्वालिटी वगैरह और कलर वगैरह बहुत प्यारे लग रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट शेड में है सारे क्लेचर्स इसी पैटर्न में सो so, अगर आपको इस पैटर्न के क्लेचर्स चेकआउट करना है देन यू शुड गो एंड चेक द फ्लिपकार्ट नेक्स्ट वन इज अ बैग एंड मुझे बेसिकली बैक पैक लेना था बहुत टाइम से मैं बहुत टाइम से सर्च कर रही थी कि मुझे एक अच्छा सा बैक पैक मिल जाए एंड मुझे फाइनली सेल में दिख गया एक ब्लैक कलर का बैक पैक

सो so, ये आपको पूरी जगह मिलती है पीछे से ये चेन है तो इसका ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा थोड़ा अलग डिजाइन है लाइक वो रेगुलर बैग की जो चेन होती है वो हमेशा इस टाइप में दी रहती है बट यहाँ पे आपको पीछे चेन मिल रही है जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है इस बैग को एंड ओवरऑल बहुत ज़्यादा लाइक वो क्लमसी सा नहीं लग रहा है लुक मुझे बहुत ही ज्यादा सिंपल एलिगेंट टाइप का लग रहा है सो so, ये बैकपैक अगर आपको कॉलेज के लिए कोचिंग के लिए या कहीं के लिए भी चाहिए हो ना फोर हंड्रेड के अंडर है, ज्यादा महंगा नहीं है तो ये वाला तो जरूरी चेक कर लेना एंड इसके साथ एक कीरिंग आता है जो कि मैं निकाल दूंगी ऑफकोर्स क्योंकि मुझे की रिंग वगैरह उतना ज्यादा पसंद नहीं है बट बैक पैक मुझे जैसा चाहिए था ये ठीक वैसा ही है लास्ट आइटम ऑफ हॉल इज दिस कॉलर टॉप एंड ये बहुत ज्यादा मैंने फ्लिपकार्ट देख लिया था इसलिए मैंने सोचा कि नॉट टू पिक दिस एंड ये मुझे थोड़ा सा टाइट है टाइट नहीं है मतलब एग्जैक्ट फिटिंग का है इसे भी लूज और ढीला ढाला कुछ भी नहीं है मुझे ये कॉलर वाले जो डिजाइन है ये बहुत प्यारा लग रहा है एंड ऐसा लग रहा है इसका जो लुक है ना वो इस टाइप का आ रहा है जैसे हमने अंदर शर्ट पहनी हुई है एंड ऊपर से फिर हमने स्वेटर पहन लिया तो यहाँ पे वो शर्ट के कॉलर uh, और ये स्लीव्स बाहर आ रहे हैं जो कि अगेन मुझे बहुत प्यारा लगता है ये सारा लुक तो इसलिए मैंने ये वाला एक पिकअप किया है दैट इज़ इन रेड कलर बट मुझे ऐसा लग रहा था कि कलर अगर थोड़ा मेरूनिश आता तो मुझे ज़्यादा पसंद आता अकॉर्डिंग टू द प्राइस रेंज द फैब्रिक इज़ जस्ट अमेजिंग थ्री हंड्रेड के अंडर में आपको इतना अच्छा टॉप मिल रहा है यू शुड डेफिनेटली गो इन चेक दिस आउट एंड इसके अलावा बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल है वहाँ पे इसी टॉप में जो ब्लू वाला शेड तो याद है कि इसमें ब्लू और व्हाइट का भी एक कॉम्बो वहाँ पे अवेलेबल है तो जाके आप जरूर चेक कर सकते हैं मैं सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी सो मेक श्योर टू चेक दिससे फॉर टूडे आई होप यू रियली एंजॉय माई मिनी हॉल फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड ऑल्सो पार्ट टू ऑफ फ्लिपकार्ट इज कमिंग सू सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑलवेज टेक माई वीडियो बिकॉज मैं अभी बहुत ज्यादा पोस्ट कर रही हूँ जस्ट बिकॉज मैं नेक्स्ट मन से बहुत बिजी हो जाऊंगी इसलिए मैं उतना टाइम नहीं दे पाऊंगी यूट्यूब की आप सारी चेकआउट कर लें, and also tell me in the comment section इसके अलावा आपको और क्या क्या पसंद है आई कैन क्रिएट मोर सच एंड आई सी नेक्स्ट्रेन स्टे होम नेगेटिव बाय